Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will see SST book and formats chapter 2 Emerging New Kingdoms. Question G, give long answer. Question first, what were the contributions of Chauhans of Rajasthan? Rajasthan ke Chauhanon ka kya yogdan tha? Answer, the Chauhans founded their rule इन द 8th सेंचुरी एडी. चौहानों ने उनका शासन 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खोजा था. चंद्रवरदाई इन हिज फेमस वर्क पृथ्वीराज रासो डिस्क्राइब्ड हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स. चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलिट्री मीन्स सैन्य, एक्सप्लॉइट्स मीन्स अन्याय या शोषण, अपनी सैनिक व्यवस्था के शोषण का वर्णन किया है. ही रूल्ड ओवर वास्ट टेरिटरीज. उसने लगभग बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया है. एक्सटेंडिंग फ्रॉम अजमेर टू दिल्ली, और उसका क्षेत्र या उसका शासन दिल्ली, अजमेर से दिल्ली तक फैला हुआ था. इन 1911 एडी ही डिफिटेड मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ तराइन. 1911 ईस्वी में इन 1191 एडी 1191 ईस्वी में ही डिफिटेड मोहम्मद गोरी. उसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया. इन द बैटल ऑफ तराइन नियर बटिंडा, तराइन के युद्ध में जो बटिंडा के पास में है. चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में वर्णन किया है सैनिक व्यवस्था के शोषण का, और यह इस क्षेत्र ने काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया. और 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध जो बटिंडा के पास हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था. बट ही वॉज डिफिटेड एंड किल्ड एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 एडी. लेकिन पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 ईस्वी में हुआ था, उसमें उनकी डेथ हो गई थी. दिस बैटल वॉज लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. यह युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, भारत के इतिहास में लैंडमार्क मीन्स होता है मील का पत्थर साबित हुआ. इट लेड द फाउंडेशन ऑफ तुर्की रूल इन नॉर्थन इंडिया. और तराइन के युद्ध ने उत्तरी भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव रखी. क्वेश्चन सेकेंड, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्टेड अंडर द चोल रूलर्स. चोल शासन के दौरान प्रशासन किस प्रकार से संचालित किया जाता था. आंसर, चोल किंग्स रूल्ड विद द हेल्प ऑफ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हाई ऑफिशियल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट. चोल किंग्स, जो चोल राजा हैं, रूल्ड शासन किया विद द हेल्प ऑफ ए काउंसिल, एक समिति की सहायता से, ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रियों की, एंड ऑफ हाई ऑफिशियल्स बड़े उच्च अधिकारियों की. चोल राजाओं ने मंत्रियों की समिति और उच्च अधिकारियों से सहयोग से ही कार्य किया, शासन किया. फॉर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स होती है प्रजा, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए. देयर वॉज ए लोकल असेंबलीज इलेक्टेड बाय द पीपल. वहाँ पर सामान्य लोगों के द्वारा चुनी हुई सभा भी थी. ए विलेज वॉज गवर्नड बाय द सेकेंड बाय द सभा नाउ कॉल्ड पंचायत. गाँव था, वॉज गवर्न चलाया जाता था बाय द सभा. गाँव का संचालन सभा के द्वारा किया जाता था. नाउ अब कॉल्ड पंचायत, जिसे हम पंचायत कहते हैं. क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डू यू नो अबाउट गुजर प्रतिहार्स. आप गुजर प्रतिहारों के बारे में क्या जानते हैं. आंसर, द गुजर प्रतिहार रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया एंड अपर गंगेटिक वैली. गुजर प्रतिहारों ने पश्चिमी भारत पर और ऊपरी गंगा की घाटी पर शासन किया टिल मिड ऑफ 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी के मध्य तक.
भोज कैप्चर्ड कन्नौज बाई 836। भोज ने कन्नौज को 836 ईस्वी में अपने नियंत्रण में ले लिया। ही रूल्ड ओवर मालवा, उसने मालवा के ऊपर शासन किया एंड गुजरात और गुजरात के ऊपर ड्यूरिंग द सन महेंद्रपाल मगध एंड नॉर्थ बंगाल बिकेम द पार्ट ऑफ प्रतिहार। ड्यूरिंग द सन महेंद्रपाल और महेंद्रपाल के समय में मगध एंड नॉर्थ बंगाल, मगध और उत्तरी बंगाल बिकेम द पार्ट ऑफ प्रतिहार, प्रतिहार राजाओं का भाग बन गए थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक में ही करने हैं, बाकी के पूरे क्वेश्चन आपको बुक में फिल करने हैं और चैप्टर को लर्न भी करना है। ओके, थैंक्स।